वेलकम टू एस जी इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। आई एम एट द ऑस्टिन एक्वेटिक्स, दैट इज लोकेटेड एट वर्सोवा वेस्ट। और अब फिर एक बार ऑस्टिन भाई के पास नया फिश स्टॉक आया हुआ है जो हम कवर करने वाले हैं। और अभी ये जो वीडियो है ये हम बनाने वाले हैं। इनके पास काफ़ी एक्सोटिक फिश की कलेक्शन है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और इन्होंने ये जो एक्सोटिक फिश का कलेक्शन है ये डिवाइड किया है चार पांच टैंक्स में, अलग अलग फिश की जो वैरायटीज़ है डिवाइड करके रखी है। तो हम एक एक टैंक के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले जो मैं आपको टैंक दिखाना चाहता हूँ, ये वाला खूबसूरत टैंक आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर काफ़ी जाइंट साइज़ की फ़िश वैरायटीज़ है, जो फ़िश वैरायटीज़ आपको काफ़ी स्टोर्स में मिलेगी, बट वो स्मॉल साइज़ की मिलेगी, इतने बड़े साइज़ के आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप एक मॉन्स्टर फिश कीपर हो या आपको बड़े फिश रखने को आपको पसंद है तो यू कैन हेड टू ऑस्टिन एक्वेटिक्स। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम हर एक फ़िश वैरायटी के बारे में जानेंगे ऑस्टिन भाई से। तो सबसे पहले हम ये अमेजिंग फिश टैंक कवर करने वाले हैं और हमारे साथ है इस फिश शॉप के ओनर मिस्टर ऑस्टिन। तो ऑस्टिन भाई, काफ़ी मज़ेदार टैंक आपने यहाँ पे बनाई। ये टैंक मज़ेदार इसलिए लग रही है बिकॉज आपने इसके अंदर काफ़ी अमेजिंग वैरायटीज़ डाली। ये सारे एक्जॉटिक फिश है ऑस्टिन भाई। जी। सबसे पहले कौन से फिश हमको दिखाओगे सो दैट आई कैन फोकस ऑन दैट फिश? पहले रेड पैरट्स, टाइगर पैरट्स पे फोकस कर सकते हो। ये वाले जो है, यस यस, आधे नॉर्मल टाइगर पैरट्स? ये जो नॉर्मल बट ये लाइक ब्रीड करके, ओके, तो ये बैंड जाते हैं। ये जो भाई पैरट्स है अभी एट प्रेजेंट क्या साइज के हैं? एट प्रेजेंट ये 6 इंचेस क्रॉस कर रहे हैं। 6 इंचेस क्रॉस। एंड यहाँ पे एक येलो पैरट है, येलो किंग कॉन्ग। येलो किंग कॉन्ग, ओके। सो ऑस्टिन भाई, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल पैरट एंड अ किंग कॉन्ग पैरट? क्या डिफरेंस होती है दोनों में? किंग कॉन्ग पैरट ऑब्वियसली लाइक बड़े उगते हैं और आप उसके हेड और बॉडी शेप देख सकते हो, डिफरेंट है ना नॉर्मल पैरट। ओके। और लाइक गोती रहते हैं। जी जी। हाँ, तो किंग कॉन्ग पैरट्स जैसे कि आप देख सकते हो, जी जी, वो नॉर्मल पैरट्स है, वो लाइक हेल्दियर रहते हैं और फैट दिखते हैं। ओके। और उनके हेड्स भी बहुत लाइक बल्ज होते हैं बाहर। जी। तो अभी अगर ये हम किंग कॉन्ग पैरट देख रहे हैं तो एक नॉर्मल पैरट से ये किंग कॉन्ग पैरट में भाई क्या डिफरेंस है? नॉर्मल पैरट पे वो आपको वो हेड नहीं दिखेगा जिस जो आप किस में देख रहे हो। यस यस। अच्छा। एंड थोड़ा सा एक हम्प सा आ जाता है सामने की तरफ इनको, किंग कॉन्ग से एक हम्प आ जाता है और लाइक लुक्स वाइज ही बहुत गर्थी होते हैं, बहुत फैट होते हैं। तो ये कितना बड़ा होगा भाई? ये नॉर्मल पैरट से लाइक डबल, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ऑलमोस्ट डबल साइज हो जाता है? यस। और बहुत लाइक हाइट वाइज, बॉडी हाइट वाइज भी बहुत लंबा टॉल हो जाता है वो। अच्छा। नेक्स्ट फिश कौन सी दिखाओगे इसमें? नेक्स्ट में यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि 500 इंडोनेशियन टाइगर है। दिस वन? यस। 500? बहुत रेयर पीस है ये। अच्छा, ओके। सो वी ऑल्सो हैव जस्ट वन पीस। ओके, आप देख सकते हो। जी। तो इसका बिहेवियर कैसा होता है भाई? ये भी अग्रेसिव फिश में काउंट होता है, लेकिन ये वो ही खाएगा जो उसके मुंह में फिट हो जाएगा। ओके। तो जो हार्ड हिटिंग फिश है ये। अच्छा। फीडिंग डालोगे यू कैन सी देम लाइक हिटिंग द फूड वेरी हार्ड। ओके। एंड नेक्स्ट फिश आप कौन सी बताओगे? ये जियोफेगस है। जियोफेगस बिग साइज में। भाई जियोफेगस में काफ़ी सारी वराइटीज़ आती है, ये वाली भाई कौन सी वराइटी है? ये जियोफेगस सिरानोमेंसिस है। सिरानोमेंसिस, ओके। और भाई काफ़ी बड़ी साइज़ की है इसलिए मैं देख सकता हूँ इसके जो आग के पास जो है इसके काफ़ी मतलब मुझे स्पॉट्स दिखाई दे रहे जो एक्चुअल में ग्लो कर रहे हैं। जी, तो देख सकते फुल बॉडी ग्लो हो जाएगा। जी। ये थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है अभी। ओके। और क्या साइज है एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट 11 इंचेस क्रॉस कर रही है। 11 इंचेस क्रॉस कर रहे हैं? यस। अच्छा। एंड यहाँ पे क्या ये पैर है आपके पास मेल फीमेल का? हाँ, ये पैर है। अच्छा। और ये कितने बड़े होते हैं भाई? ये इससे और बड़े हो जाएंगे लाइक 15 इंचेस 15 16 इंचेस। ऑलराइट। तो अब इस एक्सोटिक फिश टैंक की कौन सी अगली फिश बताओगे आपको? अब सेंटर में जैसे एक फ्रंटोसा है। फ्रंटोसा, ब्लू फ्रंटोसा। ओके। उसके सिर पे और ब्यूटीफुल हेड है। जी। तो भाई फ्रंटोसा को क्या मतलब फूड वगैरह क्या देते हो आप? हम सब फिश को टेट्रा फिश खिलाते हैं और लाइक जो प्रेडेटर्स है इस टाके में हम लोग लाइक फीड ऑफ फिश लाइव फीडिंग करते हैं। अच्छा। नेक्स्ट फिश कौन सी बताओगे? Next जो पीछे जा रही है, काफ़ी हलचल कर रही है, वो अल्बाइनो पाकूस है। अल्बाइनो पाकूस। यस। ओके। देख सकते हैं तो ये पाकू आप देख सकते हो यहाँ पे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे बिकॉज वो पीछे उनके छुपी है। यहाँ पे कुछ वराइटीज़ है जो हम कवर करेंगे, इसके बारे में ऑस्टिन भाई कुछ बताना चाहोगे आप? ये एक बिग साइज़ का लेपर्ड सेनेगल है। लेपर्ड सेनेगल? यस। अच्छा। और यहाँ पे आप देखिए तो दो पाल्मास सेनेगल्स भी है जो पीछे हम देख सकते हैं, वो एंडली चेरी है। एंडली चेरी है और ये पाल्मास है।
पाल्मास, तो ऐसे तीन वैरायटीज है आपके पास? यस। तो ये सेनेगल्स में आते सब भाई? यस, सब सेनेगल वैरायटीज में आते हैं। ओके, और सेनेगल्स को भाई रखा कैसे जाता है, कैसा केयर की जाती है उनकी? सेनेगल एकदम लो मेंटेनेंस फिश है, क्योंकि ये इसको बिना ऑक्सीजन के भी रख सकते हैं, ये एयर फ्रीजर्स है। अच्छा, तो एकदम ईजी टू कीप फिश है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अल्बाइनो पाकूस को। क्या साइज है ऑस्टिन भाई अभी इनकी? ये अभी 10 inches क्रॉस कर रहे हैं। ओके, और ये बहुत बड़े हो गए जी। और कुछ फीडिंग वगैरह में इनको कुछ स्पेशल डाइट देना पड़ता है भाई, बिकॉज साइज इनकी काफ़ी मैसिव है? हाँ, ये वेजिटेबल भी खाते हैं, जैसे फ्रूट्स, नट्स। अच्छा, उनको खिला सकते हैं क्योंकि इनको बहुत बड़े और शार्प दांत होते हैं। अच्छा, और कितने अब साइज़ के हो जाएंगे ये? ये ऑलमोस्ट लाइक 2.5 feet to 3 feet तक उठ सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर एक पैर है आपके पास अल्बाइनो पाकूस का? यस। नेक्स्ट वैरायटी इस टैंक में हम देख रहे हैं, ये वाली कौन सी है भाई? ये 300 इंडोनेशियन टाइगर है, या फिर इसको डैटनाइट भी बुलाते हैं। ओके, और कैसा बिहेवियर रहता है इनका? ये भी सेम जैसे 500 रहता है। जी जी जी, सिर्फ इसकी बैंड्स कम रहता है। अच्छा, और जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट और डार्क कलर में आते हैं। जी जी, वो स्ट्रेस्ड आउट है, वरना बहुत ब्यूटीफुल फिश है ये। ओके राइट, तो इसके अंदर ऑस्टिन भाई कितने सारे वैरायटीज रहेंगे टोटल? हम सारे कवर कर चुके हैं इसमें, 5 to 6 वैरायटीज के फिश। 5 to 6 वैरायटीज, ऑल राइट। तो गोल्ड फिश में भी भाई आपके पास काफ़ी वैरायटीज है राइट, एक्जॉटिक में? यस, वो हम देख लेते हैं। तो अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट डिस्प्ले टैंक है ऑस्टिन एक्वेटिक्स, और इसके अंदर काफ़ी सारे एक्जॉटिक गोल्ड फिश है, फैंसी गोल्ड फिश है। सबसे पहले हम इस गोल्ड फिश के ऊपर बात करेंगे जो यहाँ पे, ये वाली कौन सी ऑस्टिन भाई? एक रेड कैप गोल्ड फिश है। रेड कैप गोल्ड फिश, और एंडा में रेड कैप है भाई? रेड कैप ओराना है। राइट, और नेक्स्ट यहाँ पे ये रूकिन गोल्ड। रूकिन गोल्ड, नेक्स्ट वैरायटी भाई ये है, ये वाली कौन सी है? ये भी एक रूकिन गोल्ड, भी गोल्ड ही है। अच्छा, रूकिन में? हाँ। ओके, यहाँ पे और एक नीचे हम एक टाइप देख सकते हैं, उसके बाद में ये वाली आप एक टाइप देख सकते हो। तो रूकिन में भी काफ़ी सारे वैरायटीज हैं इनके पास। अब हम देखेंगे ये वाली गोल्ड फिश, ये लायन हेड ओरांडा। लायन हेड ओरांडा, यस। तो भाई लायन हेड ओरांडा के बारे में कुछ डिस्क्राइब करोगे हमारे लिए? ये जैसे कि आप देख सकते हो इसका फुल फेस पे जाली, जी जी जी, जाली होता है। जी 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 जी, और बहुत ब्यूटीफुल फिश है, बहुत बड़ा भी होता है। जी 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 जी, अभी भी काफ़ी बड़े साइज़ पे अवेलेबल है ये। जी, तो इसके अंदर भाई 3 से 4 वैराइटीज़ है फैंसी गोल्ड फिश की आपके पास? यस यस। ओके, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिस्प्ले टैंक की तरफ। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट डिस्प्ले टैंक, इसके अंदर भी काफ़ी सारे एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है। सबसे पहले हम इस फिश को देख लेते हैं, ये काफ़ी चुलबुली है, काफ़ी स्विफ्टली तैर कर रही है। इसका क्या नाम है भाई? यह सेनेगल है, ग्रीन सेनेगल। ग्रीन सेनेगल, यस। एंड एट प्रेजेंट क्या साइज़ है इसकी? एट प्रेजेंट ये 6 inches है। 6 inches, एंड फीडिंग क्या करना पड़ता है इसको? फीडिंग ये कार्निवोरस है। ओके, ये पैलेट्स और जो भी इसके मुँह में फिट होगा सब खाएगा वो। राइट, और नेक्स्ट फिश अब हम देखेंगे यहाँ पे जो काफ़ी ग्लो कर रही है, इसका क्या नाम है? ये ब्लू फ्रंटोसा है। ब्लू फ्रंटोसा, यस। एंड यहाँ पे ये ब्लैक कैलवस है। ब्लैक कैलवस, यस। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक है और पर्ल लाइक स्पॉट्स उसके फुल बॉडी पे। जी जी, और उसके पीछे एक येलो कैलवस है, ये वाली, यस, yes. जो हाइड कर चुकी है। और इसके बाद यहाँ पे आपने कौन से ऐड किए हैं? ये अल्बाइनो हैकली है, अल्बाइनो, ये जियोफेगस का अल्बाइनो फॉर्म है। जियोफेगस का अल्बाइनो फॉर्म, यस। जो जियोफेगस में हैकली का ब्रीड जो आता है, जी जी जी, उसका अल्बाइनो वेरिएशन है। ऑलराइट, ये बहुत रेयर पीसेज है। जी, उसके बाद यहाँ पे ये सनफिश है। सनफिश, यस, इंडोनेशियन टाइगर भी है छोटे वाले। तो आप यहाँ पे, यस, इंडोनेशियन टाइगर्स जो हम रॉक्स के पीछे देख सकते हैं, जो थोड़ा थोड़ा आगे आ रहा है। ऑलराइट, तो ये थी नेक्स्ट वाली एक्जॉटिक फिश की टैंक। अब हम देख रहे हैं एक नेक्स्ट ब्यूटीफुल टैंक, इसके अंदर आप देख सकते हो सिकलेट्स के काफ़ी सारे वराइटीज़ है और थोड़े से कैटफिश के वराइटीज़ है। इस टैंक को हमने ऑलरेडी ऑस्टिन एक्वेटिक्स के फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, बट ये इनकी डिस्प्ले टैंक है जो एंट्रेंस पे इन्होंने रखी है, तो इसके बारे में हम दोबारा कुछ, बिकॉज ये एक्जॉटिक फिश कलेक्शन के बारे में वीडियो है, तो इसके बारे में हम
सबसे पहले तो कौन सी वराइटीज़ है वो जान लेते हैं ऑस्टिन भाई। इसमें चिकलेट्स के वराइटीज़ है और एक कैटफिश का है। अच्छा, तो चिकलेट्स में आप देख सकते हो कि ऑस्कर्स है, पैरट्स है, ओके, और मिक्स चिकलेट्स है, इलेक्ट्रिक ब्लूज है, स्ट्रॉबेरीज, बनानास, ओके, और कैटफिश में एक ग्रेपफ्रूट कैटफिश का स्पीशीज है इसमें। ओके, ये वाली जो है ग्रेपफ्रूट कैटफिश, यस, या फिर इसको फिश और कैटफिश भी बोला गया। ओके, नाउ वी आर वॉचिंग अ ह्यूज प्लांटेड टैंक एट ऑस्टिन एक्वेटिक्स। और सबसे पहले ऑस्टिन भाई आपसे इस टैंक की डायमेंशन जानना चाहता हूँ मैं, क्या डायमेंशन है? ये 6 फीट है, 2 फीट हाइट एंड 1.5 फीट ब्रेथ है। ओके, और प्लांट्स इसके अंदर काफ़ी मिक्स डाले आपने, मिक्स वराइटीज के? मिक्स वराइटी बहुत सारे प्लांट्स हैं। जी जी जी, फिशेस कुछ बता सकते हो इसमें कौन से फिशेस हैं? तो इसमें हार्लिकन रास्बोरस है, गोल्डन चेरी टेट्रास, ओके, नियॉन्स, कार्डिनल्स, डायमंड हेड्स, प्लैटिनम रेमिनोस, फिर ओवर 50 अमानो श्रिम्प है, ओके, फिर गोल्डन डायनासोनिक या फिर रोजलाइन चार्ज भी बुलाते हैं, फिर इलेक्ट्रिक ब्लू रामा रोजीज है, गोल्डन रामा रोजीज। ऑलराइट, और भाई हमको इस सेटअप के बारे में कुछ बता सकते हो कि आपने बीच में ड्रिफ्ट फूड डाला है, फिर उसके बाद में रॉक्स डाला है, तो ये आपने कुछ एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में पहले तैयार की थी फिर ये आपने इस बड़े टैंक में किए? बिकॉज बड़े टैंक्स में सेटअप करना प्लांटेड का काफ़ी डिफिकल्ट जॉब होता है, आपने मेंटेन भी इसको काफ़ी अच्छी तरह से करके रखा है, तो सेटअप के बारे में कुछ बताना चाहोगे हमें? हमें काफ़ी टाइम लगा के इसको लाइक बनाया। जी जी जी, लाइक इट टुक अस अबाउट 5 to 6 hours। ओके, तो फिर उन्होंने प्रॉपर बोर्ड और सब सैंड सेट सेट करके, जी जी जी, रॉक्स को लाइक वेज करके, ओके, सब कर डाल के लाइक सेट किया है। सबस्ट्रेट में क्या आपने ऐड किया है? सबस्ट्रेट में बॉटम में सैंड को उठाने के लिए हम लोग ने वाइट सैंड, नॉर्मल वाइट सैंड यूज किया है, ओके, और फर्टिलाइजर में एडीए अमेज़न एट, ओके, और कौन से फिल्ट्रेशन पे भाई ये रन हो रहा है अभी? ये अभी एक नॉर्मल 40 वाट के पावर हेड पे चल रहा है। ओके, तो आप स्टाइफनिंग वगैरह करते हो फिर रेगुलरली? स्टाइफनिंग एक वीक में एक बार करते हैं। ओके, दिस वॉज टुडेज वीडियो अबाउट द एक्जॉटिक फिश कलेक्शन अवेलेबल एट ऑस्टिन एक्वेटिक्स। द कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस ऑफ ऑस्टिन एक्वेटिक्स इज मेंशन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द थम्स अप बटन एंड स्टे ट्यून्ड टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस कमिंग सून ऑन एसजी इंसेप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।